हेलो दोस्तों, मेरा नाम जय है और ब्लडी संडे पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए फिर से कुछ सच्ची और बेहद खौफनाक कहानियां लेकर आए हैं। मेरा नाम रवि है और आज मैं आपको मेरे भांजे के साथ घटी सच्ची डरावनी घटना बताने जा रहा हूं। यह बात 7 महीने पहले की है, जब मेरा भांजा कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। मेरा भांजा दिखने में काफ़ी अच्छा, काफ़ी स्मार्ट है। यही वजह थी कॉलेज की कई लड़कियों की नज़र उस पर थी, लेकिन मेरे भांजे को सिर्फ एक लड़की पसंद थी, जो कि पढ़ाई करने के लिए दूसरे एक बड़े शहर के बड़े कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए गई थी। मेरा भांजा जिस कॉलेज में पढ़ रहा था, वहाँ एक और लड़की उसी की क्लास में पढ़ती थी, जिसका नाम मनीषा था। मनीषा मेरे भांजे को बहुत पसंद करती थी और उसे पाने के लिए कई तरह के हथकंडे अपना चुकी थी। यही वजह थी कि मेरे भांजे को भी मनीषा के दिल में उसके लिए क्या है पता चल गया था। और मेरे भांजे ने कई बार मुझसे कहा भी कि मामा, मुझे एक लड़की कॉलेज में काफ़ी परेशान किए है और आपको तो पता है कि मैं पहले से ही एक लड़की से प्यार करता हूँ। दरअसल हम मामा भांजे कम और दोस्त ज़्यादा थे। हम दोनों एक दूसरे से दोस्तों की तरह बातें करते थे, क्योंकि मुझमें और मेरे भांजे की उम्र में कोई 3-4 साल का ही फर्क होगा। मैंने उससे कहा, देखो उस लड़की से बोल दो कि वो तुम्हें भूल जाए और उसे ये भी बता दो कि तुम किसी और लड़की से प्यार करते हो। मेरा भांजा मुझसे बात करने के बाद छुट्टियां ख़त्म होते ही वापस कॉलेज गया और वहाँ उसने उस लड़की से दूर रहने का फैसला कर लिया। एक दिन मेरा भांजा अपने कमरे में बैठा अपने दोस्तों से बातें कर रहा था, तभी उस कमरे में मनीषा आ गई और उसने मेरे भांजे के दोस्तों को कमरे से बाहर जाने को कहा। सभी के बाहर जाते ही मनीषा ने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया और अब उस कमरे में मेरा भांजा और मनीषा ही थी। मेरा भांजा उस मनीषा से बोला, सभी के बाहर जाते ही मनीषा ने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया और अब उस कमरे में मेरा भांजा और मनीषा ही थी। मेरा भांजा उस मनीषा से बोला, ये क्या कर रही हो तुम? तभी मनीषा ने कहा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हें यह समझ आता भी है या नहीं? तब मेरे भांजे ने उसे समझाने की कोशिशें की, पर वो लड़की कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी और फिर वो मेरे भांजे के साथ जबरदस्ती करने लगी और तभी गुस्से में आकर मेरे भांजे ने उसे काफ़ी तेज चांटा मारा और उस कमरे का दरवाज़ा खोलकर कमरे से बाहर चला गया। और जब वो कमरे में लौटकर वापस आया तो उसने देखा कि मनीषा ने कमरे में फांसी लगाकर जान दे दी है। ये देखकर वो बुरी तरह डर गया और उसने फौरन मुझे फ़ोन किया। मैंने उससे कहा कि अभी ये बात किसी को मत बताना, वरना पुलिस केस हो जाएगा और पुलिस तुम्हें ही इस लड़की का कातिल समझेगी। एक काम करो, रात होते ही इस लड़की को इसके कमरे में ले जाओ और ठीक उसी तरह इसको वहाँ पर पंखे से लटका दो, जैसे तुम्हारे कमरे में ये इस वक्त जिस हालत में मौजूद है। मेरे भांजे ने ठीक वैसा ही किया और फिर मैंने अपने भांजे को एक सुसाइड नोट तैयार करके उस लड़की के कमरे में छोड़ देने को कहा। मेरे भांजे ने ठीक वैसा ही किया। अगले दिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद कुछ दिनों में सुसाइड का मामला बताकर पुलिस ने भी केस बंद कर दिया। उस घटना के 2 महीने बाद जब मेरा भांजा कॉलेज में ही कमरे में सो रहा था, तब किसी के जोरों से चलने की आवाज़ से उसकी नींद खुली। वो कमरे से बाहर गया तो उसने देखा बाहर कोई भी नहीं था। वो वापस आकर लेट गया और सोने की कोशिश करने लगा। पूरे कमरे में अंधेरा था और अभी मेरे भांजे को नींद लगने ही वाली थी कि तभी उसे अपनी छाती बहुत भारी महसूस हुई। उसने हड़बड़ाकर आंखें खोली तो देखा एक औरत उसके ऊपर बैठी थी और उस औरत की आंखें और नाक नहीं थी। और तभी मेरे भांजे की चीख निकलने ही वाली थी कि तभी वो औरत मेरे भांजे का गला दबाने लगी और जोर जोर से बोलने लगी कि जब तू मेरा नहीं हो सका तो मैं तुझे
किसी और का भी नहीं होने दूंगी। मैं तुझे अपने साथ लेकर जाऊंगी। मेरे भांजे ने हिम्मत करके जोर से चीख मारी और उसकी चीख सुनकर उसके दोस्त उसके कमरे में आ गए। कमरे में मेरे भांजे के दोस्तों ने देखा, कमरे में मेरा भांजा अपने हाथों से अपना गला पकड़े था और ऐसे बर्ताव कर रहा था जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो। उन्होंने मेरे भांजे को हिलाते हुए पूछा, क्या हुआ, ये क्या कर रहे हो तुम? पर मेरा भांजा कुछ बोल नहीं पा रहा था। मेरे भांजे के दोस्तों ने मेरे भांजे के गले से उसका हाथ दूर किया और तभी मेरा भांजा बेहोश हो गया। सभी ने घबराते हुए मुझे फ़ोन किया क्योंकि मैं ही था जिसे वो सभी काफ़ी अच्छे से जानते थे। उनकी बात सुनकर मैं समझ गया ये भूत प्रेत का मामला है। रात को ही मैं अपने पहचान के एक बाबा को लेकर मेरे भांजे के कॉलेज पहुंच गया और फिर उन बाबा के कुछ झाड़ फूंक करने के बाद मेरे भांजे को होश आ गया और फिर उन बाबा ने मेरे भांजे के गले में एक ताबीज़ बांध दिया और मुझे अकेले में ले जाकर बताया। इस पर उसी लड़की के भूत का साया था जिसने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी थी और अब ये ताबीज ये जब तक अपने गले में रखेगा तब तक उस प्रेत आत्मा से बचा रहेगा और जिस दिन इसने ये ताबीज उतार दिया उसी दिन वो प्रेत आत्मा इसे मारकर अपने साथ ले जाएगी। मैंने अपने भांजे को पूरी बात समझा दी कि किसी भी हालत में ये ताबीज अपने गले से कभी मत निकालना। आज मेरा भांजा बिल्कुल ठीक है मगर आज भी कई बार उसे सपने में वो मनीषा की आत्मा दिखती है और वो उसे वो ताबीज निकालने को कहती है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशाल बादल है, मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ और आज मैं आपको अपने साथ घटी एक सच्ची भूतिया घटना बताने जा रहा हूँ। मैं रोज़ सामान ट्रक में लोड करके काफ़ी दूर दूर तक लोगों का ऑर्डर ले लेता था और कई बार आने जाने में मुझे काफ़ी रात भी हो जाती थी और रात को अगर कोई मुझसे रास्ते में लिफ्ट मांगता था तो मैं उसे लिफ्ट दे देता था और यही गलती मेरे लिए एक रात मुसीबत बन गई। दरअसल एक रात मैं एक कस्टमर के ऑर्डर पर उसके एड्रेस पर माल पहुंचाने जा रहा था। रात के 12:30 या 1 बज रहे थे कि तभी रास्ते में मुझे एक औरत खड़ी दिखी और वो मुझसे लिफ्ट मांगने लगी। मैंने गाड़ी की स्पीड थोड़ी कम कर दी और उसके पास पहुंचते ही मैं गाड़ी रोकने ही वाला था कि गाड़ी अपने आप ही रुक गई और वो लड़की मेरी गाड़ी के अंदर आकर मेरे बगल की सीट पर बैठ गई। मैंने गाड़ी के एकदम से रुककर बंद हो जाने पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और गाड़ी स्टार्ट कर दी और उस औरत से पूछा, मैडम आपको कहाँ जाना है? लेकिन उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया और फिर अचानक से वो बहुत तेज हंसने लगी। मैं ये देखकर काफ़ी घबरा गया और फिर घबराते हुए ही मैं उस औरत से बोला, मैडम आप ठीक तो हो ना? तो उस औरत ने बड़ी भारी आवाज़ में जवाब दिया, मैं तो ठीक हूँ पर अब तू ठीक नहीं रहेगा, तू जल्दी ही मरने वाला है। उस औरत की यह बात सुनकर मेरे हाथ कांपने लगे और फिर मैंने हिम्मत बांधी और चुपचाप गाड़ी की स्पीड को और तेज कर दिया। उस वक्त हाईवे पर मेरी गाड़ी के अलावा और पास में एक गाड़ी भी नहीं दिख रही थी। फिर मैंने धीरे से एक बार अपने बगल वाली सीट की तरफ देखा तो मैं एकदम से चौंक गया, वहाँ से वो औरत गायब थी। मैं बुरी तरह डर गया और गाड़ी की स्पीड और तेज कर दी। तभी एकदम से वो औरत रोड के बीच में आ गई और उस वजह से मेरा गाड़ी पर से संतुलन बिगड़ गया। मैंने जोर की ब्रेक मारी तो गाड़ी घूमकर रोड के नीचे उतर गई और हाईवे के बगल में बने नहर में जा गिरी। मुझे थोड़ी बहुत चोटें आई थी लेकिन मैं होश में था। मैंने गाड़ी का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की लेकिन वो खुल ही नहीं रहा था और तभी मैंने देखा गाड़ी के फ्रंट मिरर के उस पार पानी के अंदर ही वो औरत थी
और वो मेरी गाड़ी को पानी के अंदर खींच रही थी। लेकिन उस दिन मेरी किस्मत अच्छी थी कि तभी हाईवे पर उसी वक्त एक और ट्रक आ गया और ट्रक ड्राइवर ने देखा कि हाईवे की रेलिंग टूटी हुई है और रोड पर भी गाड़ी के टायरों के काफ़ी लंबे निशान थे। उस ट्रक ड्राइवर को ये समझते देर नहीं लगी कि कोई गाड़ी शायद नीचे नहर में जा गिरी है। वो नेक दिल आदमी था और उसने तुरंत अपनी गाड़ी रोकी और गाड़ी से उतरकर नहर के पास पहुंच गया और उसने देखा कि एक ट्रक धीरे धीरे नहर में डूबता जा रहा है। उसने फौरन नहर में कूदकर मेरे ट्रक के पास आकर ट्रक का दरवाज़ा खोला और मुझे बाहर निकाल लिया। उस दिन मेरी जान बच गई, लेकिन अब मैंने कसम खा ली है कि रात में किसी को भी लिफ्ट नहीं दूंगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम बिरजू है और ये मेरे दोस्त मुकुंद के साथ घटी सच्ची घटना है जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, मैं और मुकुंद काफ़ी अच्छे दोस्त थे और एक फैक्ट्री में काम करते थे। यहाँ तक कि हमारे घर जाने का रास्ता भी एक ही था और हम दोनों अपनी अपनी बाइक पर बातें करते घर जाया करते थे। एक दिन जब मैं और मुकुंद फैक्ट्री में काम कर रहे थे कि तभी मुकुंद बोला, यार आज तुझे घर जल्दी जाना पड़ेगा। तो मैंने मुकुंद से कहा, क्यों यार, साथ में चलेंगे ना रात को? और तब मुकुंद ने कहा, दरअसल भाई आज मेरी बेटी का जन्मदिन है और रोज़ तो मैं घर से बाहर ही रहता हूँ, लेकिन कम से कम आज तो मुझे उसके पास होना चाहिए। तब मैंने मुकुंद से कहा, कह तो तू ठीक रहा है, लेकिन आज रोज के मुकाबले फैक्ट्री में काम कुछ ज़्यादा ही है। मालिक तुझे जल्दी छुट्टी दे देंगे, मुझे तो नहीं लगता। पर तब मुकुंद ने मुझसे कहा, देखते हैं भाई, मुझे लगता है मालिक आज मुझे छुट्टी के लिए मना नहीं करेंगे। मुकुंद ने मालिक से अपनी सारी बात बताई और छुट्टी की मांग की। तो मालिक ने कहा, अरे किसी और दिन तुम कहता तो मैं तुमको छुट्टी दे देता, लेकिन आज ये नहीं हो सकता। आज काम बहुत ज़्यादा है और अगर आज समय पर यह काम ख़त्म नहीं किया तो बड़े मालिक मुझे नौकरी से निकाल देंगे। मुकुंद निराश होकर वापस लौट आया और फिर जब रात को हम दोनों साथ निकले तो मुकुंद ने अपनी बेटी के लिए एक गुड़िया यानी डॉल खरीद ली और उसे चमकीली पन्नी में पैक कराकर मेरे साथ निकल पड़ा। और रास्ते में मुकुंद मुझसे बोला, भाई आज मैं आगे वाले शॉर्टकट से जाऊंगा क्योंकि मुझे घर जल्दी पहुंचना है। तो मैंने कहा, भाई रात को तो ये रास्ता बहुत खतरनाक माना जाता है क्योंकि इस रास्ते में एक कब्रिस्तान पड़ता है। तब मुकुंद ने कहा, अरे तू टेंशन मत ले भाई, दिन में कई बार इस रास्ते से निकला हूँ। तो क्या हुआ, आज रात है तो रात ही सही। ये कहकर मुकुंद बाएं के इशारे में हाथ हिलाता हुआ कब्रिस्तान वाले रास्ते की तरफ मुड़ गया और मैं अपने रास्ते निकल गया। ये बात मुझे मुकुंद के मम्मी पापा से पता चली है कि उस रात मुकुंद ने जब शॉर्टकट लिया तो उसने देखा कब्रिस्तान उससे थोड़ी ही दूर पर था। हालांकि वो कब्रिस्तान उस शॉर्टकट के रास्ते में बीच पर मिलता है। मुकुंद एक पल के लिए तो घबरा गया, लेकिन उसने गाड़ी की स्पीड और तेज कर दी और सिर्फ रोड की तरफ ही नज़रें गड़ाई रखी। और जब मुकुंद को गाड़ी चलाते चलाते लगभग आधा घंटा बीत गया तो वो और भी ज़्यादा परेशान हो गया क्योंकि वो शॉर्टकट वाला रास्ता हमारे घर से कुछ 10-15 मिनट का था, पर यहाँ तो ये रास्ता लंबा होता ही जा रहा था और दूर दूर तक कोई घर नहीं दिखाई दे रहा था। तभी मुकुंद की नज़रें अपने बाईं ओर गईं तो उसने देखा वो कब्रिस्तान उसके साथ साथ ही चल रहा था। मुकुंद ये देखकर हड़बड़ा गया और उसका गाड़ी पर से संतुलन बिगड़ गया और वो जमीन पर गिर पड़ा और घिसटते हुए अपने घर के दरवाजे से आकर टकरा गया। मुकुंद के पापा ने मुझे बताया कि हम सब घर के अंदर थे तभी दरवाजे पर किसी चीज़ के तेज़ी से टकराने की आवाज़ आई, तो हमने फौरन दरवाज़ा खोलकर
घर के बाहर देखा तो बाहर मुकुंद दरवाजे के पास बेहोश पड़ा था और उसकी गाड़ी दूसरी तरफ पड़ी थी और उस गाड़ी में धुआं निकल रहा था और मुकुंद के सारे कपड़े फटे हुए थे और उसका काफ़ी खून बह रहा था। हम सब ये देखकर मानो खड़े खड़े ही मरने जैसी अवस्था में चले गए थे। हमारा शरीर हिल भी नहीं पा रहा था। लेकिन फिर मैंने एम्बुलेंस को फ़ोन किया और मुकुंद को हॉस्पिटल में भर्ती कराया। हॉस्पिटल में लंबे इलाज के बाद मुकुंद को होश आया और जब हम उसके पास गए तो उसने हमें सारी बात बताई और फिर वो एकदम से शांत हो गया। हमने फौरन डॉक्टर को बुलाया। चेक करने के बाद डॉक्टर ने बताया मुकुंद कोमा में चला गया है और फिर एक महीने बाद मुकुंद कोमा से बाहर आ गया और डॉक्टर ने कहा अब आप इसे घर ले जा सकते हैं। हमने मुकुंद को एम्बुलेंस में लिटाया और घर के लिए निकल पड़े और फिर जब हम आधा रास्ता ही पार कर पाए थे कि मुकुंद जोर जोर से चीखने लगा और जब मैंने मुकुंद से पूछा बेटे क्या हुआ बेटे, तो उसने मुझसे गाड़ी की एक ओर इशारा करते हुए कहा पापा वो देखो वो शैतान मुझे लेने आया है, पापा मुझे बचा लो। और तभी मुकुंद जोर से चीखा और मुकुंद एकदम शांत हो गया। हमने एम्बुलेंस में मौजूद ड्राइवर से गाड़ी वापस हॉस्पिटल ले चलने को कहा और जब हम हॉस्पिटल पहुंचे तो डॉक्टर ने मुकुंद को चेक करके हमें बताया कि मुकुंद की मौत हो गई है। तो दोस्तों ये थी मेरे दोस्त मुकुंद के साथ घटी सच्ची घटना। आप देख रहे हैं ब्लडी संडे और आज हम ब्लडी संडे पर आपको बताएंगे अशोक के साथ घटी सच्ची डरावनी कहानी। मेरा नाम अशोक है। उस दिन मैं और मेरा भाई नीरज देर रात घर आ रहे थे। उस रात मैं और नीरज बाइक से जब घर आ रहे थे तभी मुझसे नीरज बोला भाई रास्ता लंबा है और आज हमें देर भी काफी हो गई है, क्यों ना हम बगल वाले शॉर्टकट से चलें। तो मैंने नीरज से कहा क्यों भाई तुझे पता नहीं क्या वो रास्ता कितना खतरनाक है। हाँ मुझे पता है पर हम दो लोग हैं और वैसे भी रात काफी हो गई है और लगता है जल्दी ही बारिश भी होने वाली है। फिर मैंने नीरज की बात मानकर शॉर्टकट वाला रास्ता ले लिया। अभी हमने आधा रास्ता भी पार नहीं किया था कि तभी हमें हमारी गाड़ी के पीछे से किसी के काफी तेज कदम सुनाई दिए। जब हमने चलती गाड़ी से ही पीछे मुड़कर देखा तो हमारे रोंगटे खड़े हो गए। हमने देखा एक अजीब सी चीज जिसका शरीर किसी इंसान की तरह था हमारी ही तरफ गाड़ी की रफ्तार से हमारा पीछा कर रहा था और उसके शरीर पर उसका सर नहीं था। उस धड़ को अपनी तरफ आता देख मैंने गाड़ी को फुल स्पीड पर भगा दिया और तब तक स्पीड कम नहीं की जब तक अपने घर नहीं पहुंच गया। घर के पास पहुंचते ही हम दोनों भाई गाड़ी को फेंक कर घर के अंदर घुस गए और दरवाजा हमने अंदर से बंद कर लिया और फिर हमने दरवाजे के बीच में बने छोटे से छेद से घर के बाहर देखा तो हमने देखा बाहर कोई भी नहीं था। फिर रात 2:30 बजे के आसपास हमारे घर के दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। हम दोनों डर कर कांपने लगे और फिर किसी ने जोर जोर से दरवाजे को पीटना शुरू कर दिया। फिर मैंने दरवाजे के उस छोटे से छेद से बाहर देखा तो मैं एकदम से जमीन पर गिर पड़ा। मैंने देखा वही बिना सिर वाला धड़ मेरे घर के दरवाजे के बाहर खड़ा दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। पूरी रात वो बिना सर वाला धड़ हमारे घर के बाहर ही चक्कर काटता रहा। सुबह होते ही वो धुआं बनकर गायब हो गया। मैं और नीरज ये सब उसी दरवाजे के छोटे छोटे छेदों से ये सब देख रहे थे और जैसे ही पूरा दिन हो गया तो हम घर से बाहर निकले और फिर हम दोनों भाई एक पीर बाबा के पास पहुंचे
और फिर उन्हें अपने साथ घटी पूरी घटना बताई। तब उन पीर बाबा ने हमें चार मालाएं दी और कहा, इनमें से दो को तुम अपने घर और गाड़ी में बांध देना और बाकी दो को तुम दोनों एक एक पहन लो और आगे से फिर कभी उस रास्ते से मत आना। फिर मैंने उन बाबा से पूछा, वो जो हमारा पीछा कर रहा था वो बिना सिर वाला आदमी कौन था? तो बाबा ने बताया, वो एक चरवाहे की आत्मा है जिसे रात को एक तेज रफ्तार गाड़ी ने रौंद दिया था और इस एक्सीडेंट में उसका सर कट गया और उसकी मौत हो गई। तब से वो चरवाहे की आत्मा रात को उस रास्ते से निकलने वाली हर गाड़ी का पीछा करती है और अगर कोई उसके हाथ लग जाए तो उसका सिर उसके धड़ से उखाड़कर उसे भी अपने जैसा बना देती है। तो दोस्तों, ये थी अशोक और नीरज जी के साथ घटी एक सच्ची घटना। हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी को सब्सक्राइबर्स की भेजी दो सच्ची डरावनी कहानियां सुनाने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारी पहली कहानी भेजी है गौतम ने और आगे की कहानी मैं आपको गौतम के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम गौतम है, मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ और महाराष्ट्र में ही मेरे साथ ये सच्ची भूतिया घटना घटी थी। दरअसल दोस्तों, मैं और मेरे कुछ दोस्त रोज़ शाम को घर के बाहर बने ग्राउंड में खेलने जाया करते थे और उसी ग्राउंड के दूसरी तरफ एक बड़ा पुराना मकान था जहाँ कोई नहीं रहता था। हम सब दोस्त आपस में बातें करते थे कि वहाँ जरूर भूत रहते होंगे और एक बार तो हमने उस मकान में अंदर जाने की कोशिश भी की, मगर मेरे दोस्त के पापा ने हमें उस घर में जाते देख लिया और उन्होंने हमें खूब डांटा। और कहा, आगे से कभी इस घर के आसपास भी मुझे मत दिखना तुम लोग। हम सबने भी फिर उस घर में जाने की बात दिमाग से निकाल दी। लेकिन एक दिन हम सभी ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे थे और तभी हमारी बॉल उस घर में जा गिरी। अब सबने प्लान बनाया कि कोई ये बात अपने मम्मी पापा को नहीं बताएगा और फिर हम सभी उस घर में अंदर जाने लगे। उस घर का दरवाज़ा काफ़ी पुराना था और टूट चुका था। हम सभी उस घर में अंदर गए। अंदर काफ़ी अंधेरा था। हम सभी दोस्तों ने अपने फ़ोन की टॉर्च ऑन कर ली और सभी लोग बॉल ढूंढने लगे, लेकिन काफ़ी ढूंढने पर भी हमें बॉल नहीं मिली। हम सब ने अपनी अपनी जगह से ही एक दूसरे को आवाज़ लगाई कि चलो सभी चलते हैं, वरना कोई हमें यहाँ देख लेगा तो बहुत डांट पड़ेगी और रात भी होने वाली है। सभी घर के बाहर आ गए, लेकिन हमारा दोस्त आकाश हमें नज़र नहीं आ रहा था। हम सब ने उसे कई बार आवाज़ लगाई लेकिन आकाश बाहर नहीं आया और ना ही उसकी कोई आवाज़ आई। हम सब ने वापस घर के अंदर जाने का फैसला किया। हम सभी वापस घर के अंदर पहुंचे। अंदर जाने पर हमें किसी के बहुत तेज गुर्राने की आवाज़ सुनाई दी। हम सभी काफ़ी घबरा गए। तभी हमारे सामने एक काली सी परछाई निकली। उसके हमारे सामने से निकलने पर जहाँ पर वो थी, हमें फ़ोन की लाइट में सिर्फ वो काली परछाई नज़र आ रही थी और हमारे फ़ोन की फ्लैश भी उसके पार नहीं हो पाई। हम सब दोस्तों के रोंगटे खड़े हो गए और फिर हम सब डरते हुए जीने से ऊपर की तरफ चढ़ने लगे। ऊपर पहुंचकर हमने देखा, हमारा दोस्त आकाश जीने के ठीक आखिरी सीढ़ी पर बिल्कुल शांत नीचे की तरफ गर्दन झुकाए बैठा था। हमने उसे आवाज़ दी कि चल आकाश, घर चल। वो उठा और हम सबसे बिना कुछ बोले घर से बाहर चला गया। बाहर जाने पर हमने देखा वो ग्राउंड में कहीं भी नहीं था। हम सब ने सोचा वो अपने घर चला गया होगा और हम सब भी अपने अपने घर चल दिए। लेकिन मुझे उसके स्वभाव में काफ़ी परिवर्तन महसूस हो रहा था। खैर, मैं भी अपने घर आ गया। अगले दिन हमें पता चला आकाश की तबीयत बहुत ख़राब है और उसके मम्मी पापा उसे हॉस्पिटल ले गए हैं। और फिर शाम तक पता चला कि आकाश की हॉस्पिटल में ही मौत हो गई है। हम सभी दोस्तों की फैमिली
आकाश के घर गई और हम सभी दोस्त भी गए। वहाँ जाने पर आकाश के मम्मी पापा ने बताया कि कल जब आकाश बाहर से आया तो सीधा अपने कमरे में चला गया, और जब मैं उसे नाश्ता देने गई तो मैंने देखा वो बेड पर लेटे लेटे ही काफ़ी तेज कांप रहा था, और फिर जब मैंने उसे छुआ तो उसको काफ़ी तेज बुखार था। हमने उसे फीवर की दवा भी दी और रात में उसे कई बार उल्टियाँ भी हुई। सुबह ही हम उसे हॉस्पिटल ले गए, और इतना कहकर ही आकाश की मम्मी काफ़ी तेज रोने लगी। दोस्तों, आज इस घटना को हुए काफ़ी टाइम बीत चुका है, लेकिन मुझे आज भी लगता है कि आकाश की मौत उस घर में जाने की वजह से ही हुई थी। हमारी दूसरी कहानी भेजी है राजीव ने, और आगे की कहानी मैं आपको राजीव के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम राजीव है। आज मैं भूतों और बुरी आत्माओं पर विश्वास करता हूं, क्योंकि मेरे साथ एक बेहद ही खौफनाक भूतिया घटना घटी है। ये बात तकरीबन 6 महीने पहले की है। मैं आइसक्रीम बेचने गांव-गांव जाता था, और इसी तरह एक दिन मैं आइसक्रीम बेचने गया हुआ था। मैंने कई बच्चों को आइसक्रीम दी और गर्मी काफ़ी लगने की वजह से थोड़ी देर आराम करने की सोच रहा था। गाँव के रास्ते पर साइकिल से मैं आइसक्रीम बेचते बेचते काफ़ी थक गया था। गांव से बाहर निकलने पर मैंने देखा एक पेड़ के नीचे काफ़ी छांव थी। मैं उसी पेड़ के नीचे लेट गया, और लेटे लेटे मुझे हल्की सी नींद की झपकी आ गई। तभी एकाएक काफ़ी तेज़ी से मेरी साइकिल के गिरने की आवाज़ आई। मैं नींद से जाग गया और मैंने देखा एक लड़का मेरी साइकिल में बंधे आइसक्रीम के डिब्बे से सारी आइसक्रीम निकाल कर खा रहा था। मैं गुस्से से उठा और मैंने उसको एक चांटा मारा, और निकल यहाँ से कहकर अपनी साइकिल उठाने लगा। और तभी मुझे कुछ ध्यान आया जिससे मैं काफ़ी घबरा गया। मुझे ध्यान आया कि वो बच्चा मेरी आइसक्रीम को जिस तरह से खा रहा था उस हिसाब से तो उसे वो जरा भी ठंडी नहीं लग रही थी। मैंने घबरा कर पीछे उस बच्चे की तरफ देखा। मैंने देखा वो बच्चा काफ़ी तेज गुर्रा रहा था और उसकी आंखें बिल्कुल काली हो गई थी। मैं उसे देखकर हड़बड़ाकर जमीन में नीचे गिर पड़ा, और तभी वो लड़का काफ़ी तेज चिल्ला पड़ा, और उसकी आवाज़ इतनी तेज थी कि मेरे तो कान बजने लगे थे। उसकी आवाज़ चारों तरफ फैल गई, और फिर थोड़ी देर तो एकदम सन्नाटा छा गया। लेकिन अगले ही पल मेरे सामने के कुछ पेड़ काफ़ी तेज हिलने लगे, और फिर मैंने देखा एक बड़ी विकराल सी औरत मेरी तरफ ही चली आ रही थी। मैं डर से कांपने लगा, और तभी वो औरत मेरे बिल्कुल सामने खड़ी थी। वो बच्चा उस औरत को देखकर किसी अजीब सी आवाज़ में कुछ बोला, और उसके इतना बोलते ही वो औरत इतनी तेज चिल्लाई कि मेरी तो जैसे जान ही निकल गई। मैं बहुत तेज तेज सांस लेने लगा था। तभी उस औरत ने मुझे पकड़ लिया और मेरे पैरों पर उसने दांत घुसा दिए, और एक झटके से उसने मेरे पैरों के मांस के लोथड़ों को नोचना शुरू कर दिया, और मेरा मांस नोचकर वो चबाने लगी। मेरे मुंह से दर्द भरी भयानक चीखें निकल रही, और तभी कुछ गांव वाले मेरी तरफ दौड़ते हुए आए, और उन गांव वालों को आता देख वो औरत मुझे पैरों से पकड़कर ही जंगल की तरफ ले जाने लगी। मगर इतने में ही एक गांव वाले ने एक बड़ा सा पत्थर उस औरत को फेंक कर मारा। तब वो औरत मुझे वहीं अधमरा छोड़कर जंगल में अंदर भाग गई। गांव वाले मुझे अस्पताल ले गए, और रास्ते में ही मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मुझे खून चढ़ाया गया था, और मुझे पता चला कि मेरे शरीर का काफ़ी खून निकल गया है। जब मैं अस्पताल से ठीक होकर बाहर निकला तो मुझे उन गांव वालों ने बताया कि जिस औरत ने मुझ पर हमला किया था वो एक डायन थी। मैंने अपनी जान बचाने के लिए सभी गांव वालों का शुक्रिया किया, और आज मैं ठीक हूँ। हाँ, मगर अभी भी पैरों में दर्द रहता है, उठने में दिक्कत होती है। लेकिन दोस्तों, आखिरी में मैं बस
इतना ही कहूंगा कि भूत प्रेत होते हैं, हमें कभी इनके अस्तित्व पर सवाल नहीं उठाने चाहिए। अरे आप सब किस्मत वाले हो, तभी आपका सामना इन प्रेत आत्माओं से नहीं हुआ, और कभी ना हो। दोस्तों, हमारी तीसरी कहानी भेजी है कुंवर वीर ने, और आगे की कहानी मैं आपको कुंवर वीर के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम कुंवर वीर है, मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। मेरे मम्मी पापा ने मुझे काफ़ी मना किया, बेटा तुम्हें जो काम करना है यहीं करो, बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर मैं उनसे कहता, अरे पापा मम्मी, बाहर छोटे से काम में भी बहुत पैसे मिलेंगे। पर मेरे पापा और मम्मी ने कहा, बेटा हमें ज़्यादा पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है, हम तो तभी खुश रहेंगे जब तू हमारे साथ रहेगा। मगर मैंने कहा, ठीक है, मैं सिर्फ एक महीने के लिए घर से बाहर जाऊंगा और फिर वापस लौट आऊंगा। मेरे काफ़ी समझाने पर आखिरकार मेरे मम्मी पापा मान गए, और मेरे शहर जाने के लिए माँ ने मेरा सामान पैक कर दिया। और अगले ही दिन मैं स्टेशन पहुंच गया, और स्टेशन पर पहुंचकर मैंने ट्रेन पकड़ी और शहर के लिए निकल पड़ा। शाम तक मैं शहर पहुंच गया, और मैंने अपने रुकने के लिए कोई कमरा किराए पर लेने के लिए किसी सस्ते होटल की तलाश की, लेकिन होटलों पर मुझे यही सुनने को मिला कि सारे रूम फुल हैं, आप कहीं और ट्राई करिए। शहर में मुझे अपने लिए कमरा तलाश करते करते रात हो गई थी। मैं काफ़ी परेशान हो गया था और यही सोच रहा था कि आज की रात मैं इस अनजाने शहर में कैसे काटूंगा। रोड के किनारे एक सुनसान रास्ते पर खड़े खड़े मैं यही सोच रहा था, तभी वहाँ एक लंबा चौड़ा आदमी आ गया और मेरे सामने से रोड पर चलते हुए जैसे ही बिल्कुल मेरे पास आया तो उसने मेरी तरफ अपना चेहरा किया, और मैं उससे कुछ बोलता कि तभी वो आगे की तरफ निकल गया। मैं फिर से इसी सोच में पड़ गया कि आज तो शायद यही रोड के किनारे सोना पड़ेगा। मेरे दिमाग में यही सब ख्यालात ही चल रहे थे कि वो आदमी एक बार फिर मेरे पास से निकला, और इस बार उसने मेरी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। मैंने सोचा कोई यहीं आसपास का रहने वाला होगा और रात को रोड पर टहलने के लिए निकला होगा। फिर मेरे दिमाग में एक और बात आई कि हो सकता है ये आदमी मेरी कुछ मदद कर दे, ज़्यादा नहीं तो इतना तो बता ही देगा कि इस वक्त मुझे रुकने के लिए किस होटल में रूम के लिए ट्राई करना चाहिए। मैंने देर ना करते हुए उसे आवाज़ दिया, भाई साहब ज़रा सुनिए। वो आदमी एकदम से रुक गया, और जैसे ही मैं उसकी तरफ बढ़ा वो दोबारा चलने लगा। मैंने फिर से आवाज़ दी, अरे सुनो तो भाई, मगर वो अब भी लगातार आगे की तरफ बढ़ता जा रहा था। मैंने एक बार फिर आवाज़ लगाई और उसकी तरफ तेज कदमों से दौड़ा, अरे सुनते हो भाई, रुक जाओ ज़रा, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी काम है। मेरे रुक जाओ कहते ही वो आदमी एकदम से खड़ा हो गया, और उसका चेहरा अभी भी रोड के दूसरी तरफ ही था। मैं उसके पास पहुंच गया और उसे बुलाते हुए उसके कंधे पर अपना हाथ रखने ही वाला था कि तभी मेरा फ़ोन बज उठा। मैंने फ़ोन निकाला, देखा तो मेरे पापा मुझे कॉल कर रहे थे। मैंने फ़ोन उठा लिया और पापा से बात करने लगा। मेरे पापा बोले, अरे बेटा तू ठीक से तो पहुंच गया ना सर, और कोई दिक्कत तो नहीं हुई रास्ते में? मैंने कहा, नहीं पापा मैं ठीक हूँ। मैं पापा से बात कर रहा था पर मेरी नज़र अभी भी उस आदमी की तरफ ही थी। वो मुझसे एक हाथ की दूरी पर रोड के दूसरी तरफ चेहरा किए खड़ा था। मैंने पापा को सारी बात बताई और फिर फ़ोन रखने को कहा। पापा ने कहा, ठीक है बेटा, आराम से रहना, जय बजरंगबली। मैंने भी पापा से कहा, हाँ ठीक है, जय बजरंगबली। मेरे इतना कहते ही वो आदमी मेरी आंखों के सामने ही धुआं बन गया और हवा में गायब हो गया। मैं ये देखकर बुरी तरह घबरा गया, ऐसा भयानक मंजर देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं डर के मारे ज़मीन पर ही गिर पड़ा और चीखें मारता हुआ वहाँ से भागा, और दौड़ते हुए ही मैं वहाँ से सीधा
स्टेशन की तरफ आया और स्टेशन पर आकर मैं धड़ाम से ज़मीन पर गिर गया और फिर मुझे कुछ याद नहीं है। दूसरे दिन मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कई सारे लोग मुझे घेर कर खड़े हैं और एक आदमी ने मेरे चेहरे पर 2-3 बार पानी के छींटे मारे। मैं उठकर बैठा और फिर मैंने सभी को रात में मेरे साथ जो भी हुआ वो बताया, मगर किसी ने मुझ पर यकीन नहीं किया और बोले, हमें सब पता है, रात में ज़्यादा चढ़ा ली होगी तभी तो हजम नहीं कर पाया और बेहोश हो गया। मैंने सबसे कहा, मेरी बात मानो, मैं जो कह रहा हूँ वो सच में मेरे साथ कल रात सच में हुआ है। मगर सब मुझ पर हंसते हुए मेरा मजाक बनाकर चले गए। मगर एक आदमी मेरे पास आया और मुझे उठाकर उसने पास की एक बेंच पर बिठाया और फिर उसने मुझसे कहा, मैं तुम्हारी बात पर यकीन करता हूँ और साथ ही तुम कल एक बहुत बड़ी मुसीबत से बच निकले हो। दरअसल जिस आदमी की तुम बात कर रहे हो वो एक प्रेत आत्मा है। उसने इस शहर के कई लोगों की जान ली है, यहाँ तक कि मेरा अपना बेटा भी उसी प्रेत आत्मा के हाथों मारा गया है। दरअसल वो प्रेत आत्मा अकेले लोगों को अपना शिकार बनाती है और तब तक वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचा सकती जब तक तुम खुद उसे ना छुओ। वो एक श्रापित प्रेत आत्मा है और वो तुम्हें उसे छूने के लिए अलग अलग रास्ते अपनाती है। आज से 4 साल पहले मैं और मेरा बेटा उसी रास्ते से जा रहे थे। रात काफ़ी थी इसीलिए रास्ते पर कोई भी नहीं था। मैं बाइक चला रहा था और मेरा बेटा पीछे बैठा था। तभी रास्ते में हमें किसी के रोने की आवाज़ें आईं। जब हम थोड़ा और आगे तक पहुँचे तो हमने देखा एक आदमी बीच रोड पर पड़ा था और कोई मुझे उठाओ, कोई मेरी मदद करो ऐसा बोल रहा था। मेरा बेटा तुरंत गाड़ी से उतर गया और जैसे ही वो उसके पास पहुंचा और उसे उठाने ही वाला था कि तभी गाड़ी की लाइट में मेरी नज़र उस आदमी के पैरों पर पड़ी। उसके पैर उल्टे थे। मैंने बेटे को जोर की आवाज़ दी, रुक जा, इस आदमी से दूर हो जा बेटे, ये छलावा है। मगर मेरी बात को सुनकर समझने से पहले ही मेरे बेटे ने उसको उठाने के लिए अपने दोनों हाथों से उसे छू लिया। उसे छूते ही मेरे बेटे का शरीर टुकड़ों में बट गया, जैसे किसी के शरीर में बम बांध कर उस बम को फोड़ दिया जाए। मेरे बेटे के मांस के टुकड़े मेरी गाड़ी पर भी आकर गिरे और तभी वो प्रेत आत्मा हंसते हुए मेरी आंखों के सामने ही धुआं बन गई। अपने साथ घटी ये बेहद ही दर्दनाक घटना बताते हुए वो रो पड़े। मैंने उन्हें शांत कराया और फिर उसी दिन मैंने वापस घर जाने का फैसला कर लिया और सुबह की ट्रेन पकड़कर शाम तक घर पहुंच गया। दोस्तों, आज भी मुझे वो खौफनाक रात याद आती है, लेकिन अपने साथ हुई इस घटना का मेरा डर जरूर कम हुआ है, क्योंकि उस आदमी के साथ घटी घटना को सुनकर मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे तो कहीं ज़्यादा खौफनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना इसके साथ हुई है। मैंने अपनी मम्मी पापा को इस घटना के बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि अगर मैं उन्हें बताऊंगा तो वो लोग बहुत परेशान हो जाएंगे। लेकिन ब्लडी संडे चैनल से जय भाई की मदद से आप लोगों तक इस कहानी को पहुंचा रहा हूं। आपका और जय भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मेरा नाम जय है। आप सभी को ये कहानियाँ कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आपको भूतों की कहानियाँ पसंद हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। हम आपको हफ्ते में एक नहीं बल्कि पूरे हफ्ते, जी हाँ, हॉरर स्टोरीज प्रोवाइड करते हैं। तो मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और साथ ही बेल आइकन को सभी नोटिफिकेशन के लिए ऑल पर प्रेस भी कर दिया होगा। साथ ही
मेरे जो व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स हैं जो ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जय और मैं आप सभी के लिए ऑनलाइन एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में जिसमें आप घर बैठे, और अभी तो लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, जी हाँ, तो आपके पास टाइम भी काफ़ी ज़्यादा है, तो आप घर बैठे सिर्फ एक घंटा या आधा घंटा इस एप्लीकेशन पर अगर आप दोगे तो भी आप काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हो। इस एप्लीकेशन का नाम है हेलो ऐप। आपको कहीं जाना नहीं है, गूगल प्ले स्टोर पर यह एप्लीकेशन मौजूद है। लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर टॉप पर इस एप्लीकेशन का लिंक है। आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, साइन अप करिए और उसके बाद आपको इस एप्लीकेशन को अपने दोस्तों के पास शेयर करना है। सिर्फ एक दोस्त को इनवाइट करते हो तो आपको 300 रुपये देता है एप्लीकेशन। है कोई ऐसी एप्लीकेशन? बिल्कुल नहीं है मेरे दोस्तों। अगर आपने सिर्फ 10 लोगों को भी इनवाइट किया तो आप 3000 रुपये कमाओगे। आपके घर पे भी यार, आप हर घर में 2-3 फ़ोन तो होते ही हैं। अगर आप घर पे अपने मम्मी पापा के फ़ोन पर भी इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर देते हो तो भी आप काफ़ी अच्छी अर्निंग करोगे। तो जो लोग ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस एप्लीकेशन का लिंक है, हेलो ऐप का, आप इसको डाउनलोड करिए। और साथ ही इस ऐप में आप काफ़ी अमेजिंग वीडियोस, जैसे कि आप टिकटॉक वगैरह में देखते हो, ऐसी आपको वीडियोस हेलो ऐप पर भी मिलेंगी। तो आप इंटरटेनमेंट भी करोगे और साथ ही पैसा भी कमाओगे। इस ऐप पर आपको वीडियोस देखने के और पोस्ट पढ़ने के भी कॉइन्स मिलते हैं, यानी कि पैसे मिलते हैं। उन कॉइन्स को आप पैसे में कन्वर्ट कर पाओगे। तो मेक श्योर कि आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने तो एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रखी होगी, पर जिसने इस एप्लीकेशन को अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है तो इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए, पैसे भी कमाइए और एंटरटेनमेंट भी करिए। इसी के साथ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो में किस भाई की स्टोरी पसंद आई। साथ ही मेरे सब्सक्राइबर्स जिन्होंने मुझे अपनी हॉरर स्टोरी भेजी, उन सभी का दिल से धन्यवाद। और अगर आप लोग भी मुझे हॉरर स्टोरी सेंड करना चाहते हैं तो आप मुझे हॉरर स्टोरी मुझे ईमेल कर सकते हैं या आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर भी भेज सकते हैं। चैनल पर जाइए, अबाउट सेक्शन पर जाइए, आपको ईमेल भी मिलेगा साथ ही व्हाट्सएप नंबर भी मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।